असलम एवरीवन वेलकम बैक टू द दटीरियल डिजाइन कोर्स एंड्रॉइड तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टैब्स को टैब्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है और मैं आपको एक एडिशनल चीज बताऊँगा विच इसके टैब्स को हम अपने व्यू पेज टू के साथ किस तरीके से यूज करें यानी कि हम व्हाट्सअप की तरह के एक टैब लेआउट किस तरह से बनाएं बड़ा आसान है तो चलो स्टार्ट करते हैं इन तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना है कुछ गेटअपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है तो एक सेटअप करना बहुत आसान है तो मैंने एक तो यहाँ पे न्यू एक्टिविटी बना ली है टैब्स के नाम से तो यहाँ पे एक सिंपल टैब्स लगाना सीखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका व्यू टू के साथ किस तरीके से इंप्लीमेंट कर तो सिंपल टैब्स लगाने के लिए यहाँ पे मैं टैब लेआउट लूंगा ठीक है इसको मैच पेरेंट कर दूंगा रैप कॉन्टेंट कर दूंगा और इसके अंदर टैब आइटम्स लूंगा ठीक है टैब टैब लेआउट कैन कंटेन मल्टीपल आइटम्स, तो यहाँ पे हम एक टैब आइटम ले लेते हैं टैब आइटम रैप काउंटर रैप काउंटर और इसका आइकन हम लगा देते हैं आइकन होगा मैंने एक्सप्लोर और यहाँ पे टेक्स्ट लगा देते हैं एक्सप्लोर ठीक है तो यहाँ पे एक आइकन हम लगा सकते हैं और साथ में टेक्स लगा सकते हैं और राइट यहाँ पे हम आइकन के बगैर भी इसको टेक्स्ट को लगा सकते हैं ये फिर भी वर्क करेगा ठीक है सो होप यू गेट दैट हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है समथिंग लाइक दिस अब जब देखेंगे यहाँ पे ना ये इसका टेक्स यहाँ से गायब हो रहा है तो ये अनस्क्रोलेबल टैब लेआउट है तो इसको स्क्रोलेबल बनाने के लिए यहाँ पे लिखूंगा टैब मूड इसको स्क्रोलेबल और उसके बाद यहाँ पे इसके मैं स्टार्ट से थोड़ी पैडिंग भी दे सकता हूँ लाइक टैब कॉन्टेंट स्टार्ट लाइक इसको फोर्टी डीपी पी कर देते हैं तो स्टार्ट से थोड़ी सी इसको मार्जिन uh, आ गई है या फिर इसको कहते हैं इसको पैडिंग आ गई है ठीक है सो so, इसको हॉर्जेंटली कॉन्स्टेंट कर देते हैं और इसको टॉप से कॉन्सटेंट कर देते हैं ठीक हो गया अच्छा ये तो इजी था इसको एक आईडी दे, दे देते हैं टैब अंडरस्कोर लेआउट अच्छा ये तो हो गया अब आप पूछोगे कि इस तरह के टैब को हम यूज़ करें ठीक है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में इस तरीके से हम एग्जाम्पल के अंदर टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं हम इसको व्यू पेजे के साथ यूज़ करते हैं लेकिन अगर फिर भी करना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हम एक नीचे एक टैक्स व्यू ले लेते हैं और हम ये चेक करेंगे किस आइटम के ऊपर क्लिक हुए और टैक्स व्यू को अपडेट करते रहेंगे ठीक है रैप कॉन्टन रैप कॉन्टन और उसको आई दे देते हैं टी एक्सचेंज को टैब और इसको में करते हैं और वर्टिकली पेर कॉन्सट्रेट करते हैं अब अपनी एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे अपने टैब लेआउट के ऊपर एक कॉल बैक सेट कराएंगे और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट पार्ट करेंगे उसके एबस्ट्रेट मैथ को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से ठीक है और यहाँ से मैं को हटा देता हूँ और राइट तो जब नए टैब के ऊपर सेलेक्ट होगा ना फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक ना इन तीनों की ना हम ए आई चेंज कर देते हैं इनकी ना आइकन चेंज कर देते हैं तब आपको सही समझ आएगी Uh, इसको कर देते अकाउंट और इसको कर देते हैं ठीक है आप कुछ भी रख सकते हैं तो आई सी हो इसको कर देते हैं कोई भी आप आई लगा दें टोटली डिपेंड्स ऑन यू और राइट सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सप्लोर के ऊपर हूँ फिलहाल और मैं अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा सबसे पहले ओन टैब सेलेक्टेड मेथड कॉल होगा जिसके अंदर के मुझे अकाउंट वाला टैब मिल जाएगा और जब मैं जो मेरा एक्सप्लोर वाला टैब होगा वो मुझे ओन टैब अनसेलेक्टेड में मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा uh, मेरा एक्सप्लोर सेलेक्टेड है मैं दोबारा एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो ओन टैब

समझ आएगी ऑलराइट एवरीवन तो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है अब एक्सप्लोर सिलेक्टेड है एक्सप्लोर के ऊपर अगर मैं ऊपर क्लिक करूंगा तो अब कुछ भी नहीं होगा क्यों क्योंकि ओन टैब अनसेलेक्टेड मेथड कॉल हुआ है ठीक है सॉरी uh, क्योंकि ओन टैब रीसेलेक्टेड मेथड कॉल हुआ है और हमने अपना कोड ओन टैब सेलेक्टेड के अंदर लिखा है यानी कि जब भी कोई नया टैप सेलेक्टेड हो तो तब ये वाली सेट कुमार एक्जीक्यूट कराओ अब अब जैसे मैं होम कीपर क्लिक कर दूंगा या फिर मेरा टैक्स अपडेट हो गया और अब मैं होम पे क्लिक करूंगा सॉरी पहले मैंने अकाउंट पे क्लिक किया था अब होम पे क्लिक करूंगा तो मेरा होम वाला टैक्स यहाँ पे आ गया ठीक है ये स्क्रोलेबल भी है ये स्क्रोलेबल क्यों है क्योंकि हमने इसका टैब मूड स्क्रोलेबल रखा था ठीक है ये वाला टैब मूड हमने इसका स्क्रोलबल किया था और राइट तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं स्क्रोलेबल को और जो फजूल के हमने टैब्स ऐड किए हुए हैं ना इसको भी हटा देते हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हम स्क्रोलेबल टैब भी यहाँ पे बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके व्हाट्सएप के होते हैं यहाँ पे चैट्स होते हैं स्टेटस होते हैं मैसेजेस होते हैं अभी तो उन्होंने यू चेंज कर दिया लेकिन पहले ऐसे हुआ करता था तो एक बार इसको रन करते हैं गेन और right, तो अब हमारे पास थोड़ी सी क्लीन लुक आ रही है ठीक है यहाँ पे होम एक्सप्लोर अकाउंट और होम और राइट तो अच्छा ये जो हमारा एनिमेशन है ना ये टैब लेआउट का इसको इसको भी हम चेंज कर सकते हैं मदद की बाजी है ये किस तरीके से चेंज करना है इसके लिए हम एग्जामल के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लेंगे विच इज टैब इंडिकेटर एनिमेशन मूड और इसको हम कर देंगे लैस से अभी इलास्टिक होता है बाय डिफॉल्ट इसको हम फॉर पर फेड कर देते हैं तो फेड को एक बार देखते हैं किस तरह तो से नजर आता है तो अब जो मेरा इंडिकेटर होगा मैं जैसे चेंज करूंगा ये फेड होता है और फेड इन होता है एज यू कैन सी है ठीक है और इसका एक और भी होता है लीनियर यानी कि लीनियर में कुछ भी नहीं होता यहाँ से इधर चला जाता है जो इलास्टिक था उसमें थोड़ा सा ना ऐसे पहले स्क्रीज सा होता है और फिर दूसरे टाइप के अंदर जाता है और राइट एज यू कैन सी है लीनियर इज प्रिटी लीनियर और राइट देट वॉज ए गुड जॉक एनीवे anyway, वे और जो हमारा इलास्टिक है इसको कर देते हैं एक्चुअली बाय डिफॉल्ट लीनियर होते हैं और हम इसको इलास्टिक चेंज uh, कर देते हैं एक्चुअली लीनियर है इलास्टिक हमें इसलिए लग रहा था क्योंकि जो हमारा दूसरा टैब था ना उसकी जो वेथ थी ना वो थोड़ी ज्यादा थी की आई सो सेम तो जब हमारा टैक्स एक जैसा होता है तब इलास्टिक और लीनियर में काफी फर्क होता है एनी anyway, वे so सो आप इनको चेंज कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे काफी एक्टिव्यूट है लाइक टैब इंडिकेटर एनिमेशन डूरेशन ये भी हम चेंज कर सकते हैं लाइक इसको मैं आ, कर देता हूँ थाउजेंड मिली सेकेंड और उसके अलावा यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आपको जो भी एट्रीब्यूट देखना है आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख लें नहीं तो ना आपको जिसके रिलेटेड आपको एट्रीब्यूट देखना होता है फॉर आप मुझे टैब के रिलेटेड एट्रीब्यूट देखना है मैं लिखूंगा यहाँ पे टैब और यहाँ पे ये देख सकते हो सारी सजेशन मुझे आ रही है यहाँ पे ठीक है और एक अपलीकेशन मेरे पास ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे मैं अकाउंट पे चलता हूँ एज यू कै सीयर वन सेकंड का यहाँ पे एनिमेशन है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और राइट सो या यू गेट द आइडिया तो चलो यार अब करते हैं कि इसको व्यू पेज के साथ सेटअप करते हैं राइट सो व्यू पेज के साथ सेटअप करना बड़ा ही आसान है तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा सबसे पहले ना इन जितने मैंने टैब इसके अंदर ऐड किया ना इनको खत्म कर दूंगा क्योंकि व्यू पेज के अंदर टैब प्रोग्रामेटिकली ऐड करते होते हैं ठीक है और इसके बाद यहाँ पे ना नीचे एक ले व्यू पेजर टू इसको मैच प्रिंट करूंगा और इसको मैच पेंट करूंगा और इसको आई डी दूंगा व्यू एंड को पेजर की और उसके बाद इसको इसके बॉटम से कॉन्सेंट कर दूंगा समथिंग लाइक दिस

यहाँ पे मैं एक टेक्स व्यू ले लूंगा इसका दो मैच पेरेंट और इसके बाद इसको टैक्स दे दूंगा हेलो वर्ल्ड का और इसको टेक्स अपेयरेंस कर दूंगा टैक्स अपेयरेंस की कर देते हैं हेडलाइन वन और इसकी ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर और राइट तो ये मेरे पर टैक्स आ रहा है इसकी एक आईडी दे देते दे दे हैं टी एक्स को मेन और राइट तो इसके बाद इसका ना नडाप्टर बनाना होता है तो एक अडाप्टर बना देते हैं व्यू पेजर अडाप्टर तो इसको मैं सर तो रीनेम करता हूँ समथिंग लाइक दिस और उसके बाद ना यहाँ पे एक रिसाइकल वी को अडाप्टर ले देता हूँ इसके अगर फ्रेगमेंट यूज़ करें तो आपको फ्रेगमेंट स्टेट एडाप्टर यूज़ करना पड़ता है लेकिन मैं एक सिंपल ले आउट यूज़ करें तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिसाइकल वी का एप्टर भी यूज कर सकता हूँ तो मेरे पास एक बना हुआ लाइव टेम्पलेट इसको यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर थो थोड़ी सी चेंजेज़ करनी है तो वो मैं आपको बता दूँ या मैं स्ट्रिंग्स लूँगा स्ट्रिंग की एक लिस्ट लूँगा और उसके बाद यहाँ पर लूँगा व्यू पेजर ले आउट बाइनिंग ठीक हो गया और यहाँ पर ले लूँगा एस टी आर ठीक है और यहाँ पर इसको चेंज कर दूँगा और राइट तो यहाँ इसको के ऊपर सेट करते हैं

list dot add uh, hello डोलर एट और राइट ये इतना मैंने इसके अंदर डेटा ऐड करा लिया यानी कि हंड्रेड टाइम इसके अंदर हैलो और आगे जो भी नंबर होगा वो एड करा दो और राइट right. और इसको अपना इधर लिस्ट पास कर दूंगा और उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट पास करना होता है समथिंग लाइक दिस अब मैं अपने अडाप्टर को सेट करा दूंगा अपने व्यू पेजर के ऊपर तो करूंगा व्यू पेजर डॉट अडाप्टर इडाप्टर राइट सो टैब ले आउट और व्यू पेजर टू को यूज करने के लिए हम टैबले आउट मीडिएटर का यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे करूंगा टैब ले आउट मीडिएटर और यहाँ पे पास करूँगा टैबले आउट और यहाँ पास करूँगा व्यू पेजर और यहाँ पे एक लेमटा पास करूंगा जिसके अंदर के हमारा होगा टैब और यहाँ पे होगी पोजिशन राइट तो ये यह, यहाँ पे हमें टैब और पोजिशन तो मिल गया तो अभी हमने इसका ना टैक्स सेट कराना है जो हमारा टैब है ना वो कौन से हम लेंगे तो यहाँ पे हम पोजिशन मिल रही है और यहाँ पे टैब मिल रहा है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे टैब डॉट एक्स इज इक्वल टू लिस्ट और यहाँ पे पोजीशन से हम गेट कर लेंगे उसका टैक्स और राइट तो अगर आपके लेबल डिफरेंट है तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे एक लेदर लिस्ट बना सकते हो जिसका कि साइज़ सेम होना चाहिए नहीं तो क्रैश कर जाएगी कोई इशू आ जाएगा और, और वहाँ उस लिस्ट से आप गेस्ट करा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास लिस्ट टू है ना क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेबल्स लिस्ट है ठीक है लेबल्स लिस्ट और इसको ना एक बार रिपीट करा देते हैं ठीक सॉरी पे का देते हैं लेबल और यहाँ पे लेबल लिस्ट के अंदर इसको अपेंड करा देते हैं और यहाँ पे लेबल लिस्ट से इसको गेट कर लेते हैं राइट तो यहाँ पे लेबल जितने भी हैं वो मैं इस लिस्ट से गेट कर रहा हूँ और जो व्यू पे में लिस्ट है वो ये वाली है तो अभी हमारे पास अपल वर्क आ जाएगी तो जरा तो इसको रन करके देखते हैं और तो अपलीकेशन तो हमारे पास ओपन हो चुकी है लेकिन यहाँ पे इशू आ रहा है यहाँ पे हमारे टैब्स नहीं आ रहे व्यू पे जो सही वर्क कर ये क्यों नहीं आ रहे क्योंकि हमने इसको अटैच भी करना है हमने टैब लेआउट मीडिएटर को यहाँ पे डॉट अटैच कॉल करना है और अब दोबारा इसको रन करते हैं और तो अपलीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है और एज यू कैन सी सीयर हमारे टॉप पे पे हमारे टैब्स आ रहे हैं बट द प्रॉब्लम इज जो हमारा टैक्स है वो यहां पे शो नहीं हो रहा हम्म hmm. और राइट right, तो लेबल चौक कराने का बहुत आसान है क्योंकि हमारे जो आइटम्स हैं वो हंड्रेड से ज़्यादा हैं तो एक्चुअली हो ये रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैं तो हमारा text ना श्रिंक हो रहा है और वो उधर से कट हो रहा है तो इसको सेट करने के लिए हमें जो हमारा टैब layout है इसको स्क्रॉल बनाना पड़ेगा तो मैं इसका टैब मोड को स्क्रॉल कर देता हूँ या फिर आप इसको ऑटो भी रख सकते हैं या ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेकर कौन सा रखना है एनी वे फिलहाल हमने इसको स्क्रोल रख दिया तो अपलीकेशन भी हमारे पास ओपन हो चुके हैं और एल यू के सीयर हमारे लेबल यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं और एल यू सीयर जैसे मैं इसको स्वाइप कर रहा हूँ और मेरे ऊपर से टैब लेआउट और व्यू पेज वो एक साथ काम कर रहे हैं मैं यहाँ पे आगे जाकर किसी और लेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है और ये भी यहाँ पे शो हो रहा है अच्छा आइकन लगाना भी इजी है यहाँ पे एक आइकन के आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और वहाँ से आपने इसको आइकन गेट कर लेना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ लेबल आइकन लिस्ट ठीक है सिंपल आइकन लिस्ट इसका नाम रख देते हैं जो कि होगी इंटीजर टाइप की और एक काम करते हैं यहाँ पे इसको आ, इसका नेम सेट करते हैं और आइकन लिस्ट के अंदर अपेंड कराते हैं अपी हमारी आर डॉट ड्रोएबल डॉट आई सी मैन्यू अंडर को हम करा देते हैं।, हैं और अब जरा अपलिकेशन को रन करते हैं तो ये हमारे लिस्ट के अंदर जितने भी आइकन थे वो एड हो गए तो अब हमें ये करना है कि हम टैब के ऊपर आइकन को सेट कराना है तो हम करेंगे टैप डॉट आईकन इज इकल टू रिसोर्सेज डॉट गेट ड्रोएबल यहाँ पे आइकन लिस्ट और यहाँ पे पोजिशन पे हम उसका आइकन की आई डी कर लेंगे और राएट? तुम्हारे पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है एज यू कैंसर हमारे लेबल भी यहाँ पे आ रहे हैं ठीक है थीक? कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ओबियसली यहाँ पे एक आप अलग लिस्ट ऐड करके मैंने यहाँ पे सैम्पल डेटा के लिए ना यहाँ पे इसको रिपीट करा के और इसको आ, इतने टाइम मैंने ऐड करा दिया नहीं तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मेरी डिफरेंट अप्रोच होगी एनी anyway, ये आपको समझाने के लिए था होप आपको समझ आ गया होगी टैबलेट और व्यू पी जो टू को किस तरीके से हम एक साथ यूज़ करते हैं सो या डेस्पी टी मच इट फॉर दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को अभी तक नहीं किया मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के अल्लाह हाफिज़ सी यू द नेक्स्ट वन गुड बाय